वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में काफ़ी अच्छा वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए। तो इन दिनों क्या है कि मैंने काफ़ी सारे आपके साथ में वीडियो शेयर कर रखे हैं और आगे भी मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी जो कि ग्लोइंग स्किन के ऊपर है। तो मैं इन दिनों ग्लोइंग स्किन के लिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ काफ़ी सारे वीडियो। तो इस टाइम पर मैं प्रोडक्ट रिव्यू नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ग्लोइंग स्किन के लिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वीडियो कि आपकी स्किन जो है ग्लोइंग बने, हेल्दी बने और सॉफ्ट बने। तो इन दिनों मैं काफ़ी सारी वीडियो के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो आप उन वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलना और आगे भी जो मैं वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी उनको भी देखना बिल्कुल ना भूलना, जिससे कि आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको सॉल्व कैसे करो, आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा अच्छी दिखे। कोई भी आपको चीज़ें इतनी यूज़ नहीं करनी है, सिंपल तरीके से आप कैसे अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सके, तो वो सारे टिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो बने और काफ़ी अच्छी लगे, और कब करो तो भी आपकी स्किन जो है फ्लॉलेस लगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं, टीनेजर हो, बड़े हो, किसी भी एज के हो, यंग हो, छोटे हो, सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको तो बाफ लेनी है, मतलब स्टीम लेनी है, तो आप नॉर्मली गर्म पानी कर लीजिए, करने के बाद में किसी भी कंटेनर में डाल लीजिए। नहीं तो आजकल एक स्टीम बाफ वाला आपको एक ऑनलाइन मिल जाएगा, किसी भी अमेज़ॉन पे मिल जाएगा या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। स्टीम बाफ लेने का एक प्लास्टिक जैसा आपको ऐसे मिल जाएगा, उसमें से क्या है कि आप गर्म पानी डालोगे, उसके बाद में आप अपने फेस को ऐसे किसी भी चीज़ से ढक के आप उसमें बाफ लोगे, तो आपके जो जितने भी पोर्स है वो क्या है कि ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद में आप जो भी प्रोडक्ट जो भी स्किन में यूज़ करोगे उससे क्या है कि जो बेनिफिट है किसी भी प्रोडक्ट का या कोई भी पैक यूज़ करते हो तो वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगा। अगर आप बाफ स्टीम नहीं लेते हो तो उससे क्या है कि आपके जो पोर्स है वो क्या है कि क्लॉक रहते हैं, तो वो इतना कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो फेस पे तो वो क्या है कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। इसलिए आपको क्या करना है, बाफ लेनी है जिससे कि स्टीम लेनी है जिससे कि आपकी जो पोर्स है वो ओपन हो, और उसके बाद में आप कोई भी प्रोडक्ट या फेस वॉश यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग बनेगी और अच्छे इफेक्ट मिलेंगे आपको। 3 से 4 मिनट आपको बाफ लेनी है, स्टीम लेनी है अपने फेस पे। मैं 1 से 2 बार इस हैक को यूज़ कर सकती हूँ जिससे कि आपकी स्किन जो है ग्लोइंग बन सके। तो आप स्टीम ले सकते हो, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जो मिलती है चीज़ें उनसे ही लो। आप कोई भी अपने घर में काफ़ी सारे बर्तन होते हैं तो उसमें भी आप गर्म पानी, आपको गर्म पानी में मुँह अपना डुबोना नहीं है, सिर्फ उसकी जो बाफ है वो लेनी है आपको ढक कि किसी भी चीज़ से, चादर से या किसी भी दुपट्टे से ढक लीजिए। उसके बाद में आपको भाप लेनी है, सिर्फ और सिर्फ जो वो भाप आपके फेस पे आएगी तो आपको पसीना आएगा और आपके पोर्स हैं पोर्ट्स वो ओपन हो जाएंगे, और आपको ये 4 से 5 मिनट तक करना है तो काफ़ी सही हो जाएगा, आपका जो फेस है वो ग्लोइंग बन जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे उसके बाद में तो आप ये टिप यूज़ कर सकते हो। ये टिप नंबर 1 है। रोज़ वाटर यूज़ करना, रोज़ वाटर यूज़ करने से क्या है कि आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग बनती है, हेल्दी बनती है, और आपकी जो स्किन है वो एकदम रोज़ की तरह खिल जाएगी। आप खुद रिजल्ट देखोगे कि जब भी आप रोज़ वाटर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन में डिफरेंस आप खुद देख सकोगे, क्योंकि क्या होता है कि जो रोज़ वाटर होता है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करती है, सॉफ्ट बनाती है, मॉइस्चराइज्ड रखती है एकदम। और हम हाइड्रेट होने के बाद में क्या है कि हम कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या है कि हमारी जो स्किन है वो अच्छा वर्क करती है क्रीम उसमें, क्योंकि क्या है कि एकदम हम ड्राई फेस पे क्रीम यूज़ करते हैं तो वो इतना इफेक्ट नहीं दे पाती, वो अंदर तक नहीं जा पाती है। अगर हम टोनर अप्लाई कर लेंगे, रोज़ वाटर अप्लाई कर लेंगे तो उससे क्या है कि हमारी जो क्रीम यूज़ करते हैं वो अच्छा इफेक्ट देती है। तो आप टोनर यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, टोनर में आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा टोनर है रोज़ वाटर, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि आप कॉफ़ी फेस पैक यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो स्किन है वो काफ़ी हेल्दी लगेगी, ग्लोइंग लगेगी। तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले कि आपको स्टीम लेनी है, स्टीम लेने के बाद में आपको क्या करना, आपको रोज़ वाटर यूज़ करना है, रोज़ वाटर यूज़ करने के बाद में आपको क्या करना, कॉफ़ी जो होती है वो ले लेनी है एक चम्मच के बाद में। उसमें आपको विटामिन ई के कैप्सूल मिल जाएंगे, किसी भी शॉप पर आपको मिल जाएंगे, तो विटामिन ई का कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हो अपने फेस पर। उसको किसी भी चीज़ से अंदर, जो उसका कैप्सूल के अंदर जो लिक्विड होता है, जो
वो ही आपको यूज करना है, आपको कैप्सूल यूज नहीं करना है, सिर्फ दो कैप्सूल ले लीजिए। एलोवेरा जेल डालना है, एलोवेरा जेल के डालने के बाद में आपको उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, उसको पैक को अपने फेस पे लगा लेना। 15 से 20 मिनट तक आपको ये लगाना है। सूखने के बाद में आपको इसको वॉश कर लेना है, तो आप रिजल्ट खुद ही देख सकोगे कि आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ग्लोइंग लगेगी, और जो कॉफ़ी होती है वो हमारी स्किन का जो कलर है उसको इम्प्रूव करने में मदद करती है, और एलोवेरा जेल है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है, और विटामिन ई हमारी जो भी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, जैसे कि हमारे अंडर आई एरिया में हो जाता है डार्क सर्कल्स, उनको मिटाने में दूर करती है। फेस पे कोई भी पिंपल का निशान होता है तो उनको मिटाने में मदद करती है। तो ये काफ़ी अच्छा एक पैक है, तो आप इसको वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं इस पैक को। ये काफ़ी अच्छा पैक है और आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगी। तो आपके लिए तो हेयर्स के लिए आपको क्या करना है, विटामिन ई कैप्सूल लेना है। विटामिन ई कैप्सूल ले लिया आपने, उसके बाद में कोकोनट ऑयल में उसको मिला लें, 2 कैप्सूल आप ले लीजिए। 2 कैप्सूल आपको लेना है कोकोनट ऑयल में मिला के, उसको हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके हेयर भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, अच्छे बनेंगे, सिल्की स्मूथ होंगे, और साथ ही साथ में आप उसको स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्किन पे आपको यूज़ करोगे तो क्या है कि कोकोनट ऑयल भी हमारी जो स्किन में डार्क स्पॉट्स की दिक्कत हो जाती है, पिंपल्स की दिक्कत हो जाती है, या फिर कोई भी स्कार होता है तो उसको मिटाने में मदद करता है, और विटामिन ई भी उनको काफ़ी हद तक ख़त्म करने में मदद करता है। तो आप इसको भी फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, हैंड पे भी यूज़ कर सकते हो, हेयर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस पैक को भी आप काफ़ी यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। तो ये भी आपके जितनी भी प्रॉब्लम है, विटामिन ई कैप्सूल लेना है 2, और विटामिन ई कैप्सूल का जो लिक्विड होता है वो ले लेना है आपको, और आलमंड ऑयल बादाम का तेल लेना है 1 चम्मच। तो उसमें आपको ये 2 कैप्सूल डाल लेना है, 2 कैप्सूल डालने के बाद में उसको मिला लेना है, वो आपको आपके अंडर आई एरिया पे लगाने हैं, जिससे कि आपके जो डार्क सर्कल्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म एकदम। तो आपको कोई भी मार्केट की महंगी महंगी क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ये यूज़ कर लोगे तो आपके जो डार्क सर्कल्स है वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे। और आपको ये नाइट में करना है, जब भी आप सोने जाते हो तो आपको ये अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद में सो जाना है, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग आपको फेस को वॉश कर लेना है। तो आप धीरे धीरे 3 महीने तक ये यूज़ करेंगे, आपके जो डार्क सर्कल्स है वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। आप ये टिप फॉलो करके देख सकते हैं, जिससे कि जो आपकी स्किन में प्रॉब्लम है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, आपकी स्किन जो है ग्लोइंग बनेगी और हेल्दी बनेगी। तो इन दिनों क्या है कि मैं आपके साथ में काफ़ी सारे वीडियो शेयर कर रही हूँ ग्लोइंग स्किन के लिए, तो आप ये सारी टिप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप सिंपल तरीके से इन चीज़ों को घर में ही आपके होती हैं सबके होती हैं ये चीज़ें। विटामिन ई कैप्सूल आपको किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगा, 1 कैप्सूल 2 रुपये का आपको मिल जाएगा, तो 10 पैकेट वाला 10 कैप्सूल वाला पैकेट आपको मिल जाएगा 20 रुपये का, तो आप वो लेके आ सकते हैं, तो आपके ये चल जाएगा 5 से 10 दिन तक आपके चल जाएगा। आप 1 कैप्सूल भी डाल सकते हैं, अगर आप हेयर पे और पूरी बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 कैप्सूल डाल दीजिए, तो आपकी काफ़ी आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग बनेगी, और साथ ही साथ में जो प्रॉब्लम है आपकी स्किन में वो भी ठीक होगी। तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए ये सारे टिप्स, तो आप इनको फॉलो करके जरूर देखिए, जिससे कि आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी। इस अच्छे सिंपल प्रोडक्ट हैं जो कि आप अफोर्ड भी कर सकते हो, काफ़ी कम प्राइस के आपको मिल जाएंगे, तो इसे टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े छोटे सब लोग यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स बॉय जो भी हैं सब यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और काफ़ी नेचुरल चीज़ें हैं, इतना आपको केमिकल नहीं मिलेगा इन चीज़ों में। तो आप ये टिप्स फॉलो करके देखिए, आपकी स्किन जो है ग्लोइंग बनेगी, हेल्दी बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।